अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा लाइक किया मेरी वीडियोस को और मुझे कमेंट्स भी किए। और सम टाइम ऐसा होता है कि मैं बिज़ी होने की वजह से कई फ्रेंड्स का, कई दोस्तों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उस टाइम करता हूँ, तो उस वजह से नाराज़ मत होइएगा। और उसके अलावा आज मैं आप लोगों के साथ जो फॉल्ट शेयर करने लगा हूँ वो है, ये एक लैपटॉप है HP का, इसका जो इशू आ रहा है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम इस लैपटॉप को खोलेंगे और फिर इसका जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। अच्छा, ये HP 450G6 लैपटॉप है, प्रो बुक है, और इसका जो इशू आ रहा था कि इसको जैसे ही आप ऑन करते हैं, ऑन करने के साथ ये डिस्प्ले देगा थोड़ी देर के लिए और फिर गायब हो जाएगा, और डिस्प्ले के जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आप देख लीजिए, ये आपने नोट किया होगा, तो इस लिहाज से अब हम इसको आगे चेक करते हैं। इसको हम LCD को उतारेंगे पहले, जिसमें मतलब ये नहीं, इसकी डबल टेप लगी होती है इसके अन्य पे, ए पैनल पे। ऊपर से हमने ये अलग कर लिया है, लेकिन इसको आपने खींचना और इस तरह ज़ोर नहीं लगाना क्योंकि ये डैमेज भी हो सकती है। इसको बैक साइड पे अपने यहाँ से, ये इसके लॉक होते हैं, इनको आप अलग कर लें। निकाल लिया हमने, उसके बाद हम इसका बैक कवर खोल लें। सारे स्क्रू हमने ओपन कर लिए, इस बॉडी को हम साइड पे करेंगे।
सबसे पहले तो हम इसका जो डिस्प्ले केबल जो लगी हुई है LCD की आ रही है उसको हम पहले चेक करेंगे। एक ये केबल आ रही है ऊपर से, दूसरी ये हमारी डिस्प्ले केबल आ रही है। डिस्प्ले केबल का हम इसको निकाल के व्यूअर, सबसे पहले हम बैटरी को इससे अनप्लग कर लेंगे क्योंकि बैटरी इसकी बिल्टन होती है। तो एक ही तो लैपटॉप खोल चढ़ी वसीला, ये तो मेरा है पड़ा भी है। ये हमने बैटरी निकाल ली है। अब ये जो स्ट्रिप है ना व्यूअर, इस स्ट्रिप को आप पहले इस तरह से ये, मैं तो इस पर थिनर लगा रहा हूँ, थिनर के साथ इसको साफ़ किया है। इसको साफ़ करने के बाद का ये होता है कार्बन आ जाता है कार्बन की वजह से, और इस स्ट्रिप को अंदर से इसको भी साफ़ कर लें। इसको आपने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि बैटरी अगर लगे होगी तो ये शार्टेज होगी। लगा स्ट्रिप लगाते वक्त उतारते वक्त आपने बैटरी पहले डिसेबल करनी है, उसके बाद आपने ये करना है। स्ट्रिप को साफ़ करें, साफ़ करने के बाद इसको ये लगा दें। बैटरी का हम स्क्रू लगाएंगे, लेकिन स्क्रू है हमने लगा दिया। इसके बाद अब हम लैपटॉप को ऑन करेंगे। इसको लैपटॉप को ऑन करेंगे, ये देखिए अब हमारा डिस्प्ले बिल्कुल ओके आ गया है। अच्छा ये अब डिस्प्ले, इसका प्रॉब्लम यही था कि इसकी जो स्ट्रिप जा रही थी डिस्प्ले स्ट्रिप LCD की नीचे बोर्ड पे जहाँ पे इंसर्ट हो रही थी वहाँ पे उस में डिस्टॉर्शन मीन्स ये कि उसमें कार्बन आ गया था, जिसकी वजह से ये था कि डिस्प्ले इसका प्रॉपर नहीं आता था। डिस्प्ले थोड़ी देर के लिए आके गायब हो जाता था। तो ये अब इसका पार्ट क्लियर हो चुका है। अब इसको हम बंद करेंगे लैपटॉप को। इसको हमने प्रॉपर बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब ये अब जो है लैपटॉप बिल्कुल ओके हो गया है। तो व्यूअर ये थी आज की वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इस तरह के हमारे बहन भाइयों को या मुख्तलिफ यूज़र को इस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है, तो जिस वजह से उनको खुद का आइडिया नहीं होता, तो जिस वजह से ये फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है उनको। और इसका मैंने आपको बता दिया ताकि आप घर में भी अगर इस लैपटॉप को खोलना चाहें और इसको ये चेक करना चाहें तो इजीली, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली खुद भी कर सकते हैं। तो इसके लिहाज से मैं आप लोगों का पहले तो लिहाज से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे चैनल को पसंद किया और वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को। और
जितनी तवक्को हमें इतनी तवक्को नहीं थी कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमें पिजिराई थी, तो इस लिहाज से मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ आने वाली और इस तरह के इश्यूज आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।